अभी मुझे सुनाई पड़ा कि एक नेता का घर गिरा, तो उस नेता के यहाँ मातम मनाने कई नेता गए थे, तो उन्होंने कहा कि मेरी सरकार आएगी तो अनिल सिंह को विधानसभा के अंदर घुसने नहीं दूंगा। एक कोई सुनील रावत हैं सहरावा के, समाजवादी पार्टी के नेता, तो मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ कि अभी तो सरकार आने में 4 साल है, अभी तो 4 साल हम खुद विधायक हैं, पहले सोचो कि तुमने जो कब्जा किया है, तुम्हारे ऊपर जो मुकदमे लिखे हैं उसमें तुमको गैंगस्टर लगवा के जेल भिजवाने का काम करूंगा। क्या वास्तव में अनिल सिंह अब अपने जो है विरोधियों का घर गिरवाने पर उतर आए हैं? अब आपने एक बार पूछा था कि विधायक जी क्या बात है, आजकल सुस्त पड़ गए हैं, तो हमने आपको बताया था कि जब कभी 2 कदम पीछे हटता है कोई तो समझ लो लंबी छलांग मारने वाला है। ऐसा है कि याद करें उस कालखंड को कि जब इन्होंने गरीबों के पट्टे की ज़मीन पर SC समाज के लोग जिनको पट्टा सरकार ने किया उनके जगह पर कब्जा करना, तालाब की जगह कब्जा कर लेना, सुरक्षित ज़मीन को कब्जा करके अपना घर कोठी बना लेना, इस पूरे पूर्व विधानसभा में निरंतर ऐसा काम 200 साल हुआ। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि आने वाले समय, अभी तो मैंने 1867 के तहत 200 लोगों के नोटिस काट रखा हूँ, 200 लोगों के पूर्व विधानसभा में धीरे धीरे अवैध निर्माण ढहाए जाएंगे, ये ऑन द कैमरा कह रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि या तो वो स्वयं हटा लें बेइज्जती ना चाहते हों, उनके पास नोटिस पहुँची होगी, ना नोटिस पहुँची होगी तो तहसील में पता कर लें कि हमारा घर तालाब में बना है या कहाँ बना। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है। हमारी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप नहीं गिराओगे तो मैं आपके सरकार को बर्खास्त कर दूंगा। क्यों? गरीब के लिए, गरीब एक बिसुआ कब्जा किए है, घर बनाए हैं उसका, ये लोगों ने घर गिराकर कब्जा कर लिया। अब जो गरीब लोग हैं उनको हम लोग बिल्कुल नहीं छेड़ने वाले हैं, उनका पट्टा करा देंगे, उनके लिए घर बनवा देंगे, लेकिन जो माफिया हैं, भूमाफिया हैं, उनके घर गिरवाने का काम लगातार निरंतर 4 साल चलेगा। अभी मुझे सुनाई पड़ा कि एक नेता का घर गिरा, तो उस नेता के यहाँ मातम मनाने कई नेता गए थे, तो उन्होंने कहा कि मेरी सरकार आएगी तो अनिल सिंह को विधानसभा के अंदर घुसने नहीं दूंगा। एक कोई सुनील रावत हैं सहरावा के, समाजवादी पार्टी के नेता, तो मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ कि अभी तो सरकार आने में 4 साल है, अभी तो 4 साल हम खुद विधायक हैं, पहले सोचो कि तुमने जो कब्जा किया है, तुम्हारे ऊपर जो मुकदमे लिखे हैं उसमें तुमको गैंगस्टर लगवा के जेल भिजवाने का काम करूंगा। अभी देखो, अब लौट के आया हूँ मैं दिल्ली से, अभी खुजवा रहा हूँ कितने मुकदमे उनके ऊपर हैं। उन्होंने बताया ना, वो चैलेंज दे रहे हैं कि अनिल सिंह को घुसने नहीं दूंगा इस विधानसभा के अंदर। इनकी इतनी औकात हो गई कि विधायक को घुसने नहीं देंगे। अरे भाई, क्यों कब्जा कर रखे हो गांव के समाज की ज़मीन को? उसी सहरावा गांव में तमाम गरीब गुरबों की ज़मीन उस आदमी ने कब्जा कर लिया। उस आदमी के ऊपर अभी मुकदमा लिखे हैं कम से कम 15 ठो। ऐसे लोग बोल रहे हैं कि ना तुम्हारी सरकार आएगी और ना तुम कुछ कर पाओगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगले कई वर्षों तक रहेगी, ये ऐसा जनता ने सोच लिया है, कतई नहीं जाने वाली है। खैर मनाओ कि तुम 27 में हमका घुसने दे हो, लेकिन हम विधायक हैं, संविधान का पालन करते हैं, इसलिए तुमका घुसे जरूर दे आप, लेकिन जो तुमने कुकर्म किए हैं उन कुकर्मों का हिसाब किताब जरूर लूंगा मैं, विधायक अनिल सिंह कह रहा हूँ। ये जब चलेगा तो उनके फोन पर जरूर इसको टैग करना कि विधायक जी ने ये कहा है कि तुम कह रहे थे घुसने नहीं देंगे विधानसभा में, एक विधायक को तुम घुसने नहीं दोगे? हमने उदयराज जी के लिए तो ऐसी भाषा कभी नहीं बोली। उदयराज जी मेरे लिए आदरणीय है, उदयराज का भी तो घर, टंकी, पेट्रोल सब उसमें बना हुआ है, बंजर में। हमने तो कभी नहीं बदला लिया, हम बदला के भावना से काम नहीं करते, हम काम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से। तो इसलिए उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बक्सा कोई नहीं जाएगा, भूमाफिया, गुंडा, क्रिमिनल, अभी तो इनकाउंटर का खेल शुरू होने जा रहा है। अभी तो जो लोगों ने पुलिस को मारा है, गाली दी है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी है,
गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। आने वाले समय में अगर जात सुधरे नहीं तो हमारी सरकार इनकाउंटर भी करवाएगी ऐसे लोगों का। सोहा क्षेत्र में अभी भी कई बाहुबली हैं जिनकी जमीन जो है सरकारी जमीनों पे, जिनके निर्माण जो है सरकारी जमीनों पे हैं, अभी तक बुलडोजर वहाँ पे नहीं गरजा। क्या 200 लोगों को बताया आपने, शायद सुना नहीं ठीक जी। 200 लोग हैं उसमें घर गिराने के कार्रवाई में, 200 पेनाल्टी भी लगाऊंगा। ऐसे ऐसे यहाँ ठेकेदार हैं जिनकी हैसियत प्रमाण पत्र ही फर्जी थी, उनके ऊपर भी मुकदमा लिखा गया है। और जितना अभी तक ठेका किए होंगे, 1 करोड़ की तो पेनाल्टी निकाली, अभी और करोड़ों की निकालूंगा। इसलिए 4 साल पहले अभी हम ही का देखें अपना सपना मुंगेरी लाल के, जब देखिए तब देखा जाए। ऐसा तो नहीं अनिल सिंह अब भयभीत कर रहे हैं, चुनाव आने वाला है वो लोग छोड़ के ही चले जाएं? नहीं, ऐसा भयभीत करने वाला अनिल सिंह का स्वभाव नहीं है। अनिल सिंह तो नियम कानून से ही काम कर रहे हैं। कतई उन लोगों को बख्शूंगा नहीं जिन्होंने गरीब, कमजोर, असहाय, दलित, कुछ शोषित लोगों की जमीनें कब्जा करके अपने महल बनवा लिया, सुरक्षित जमीन, तालाब की जमीन पे महल बनवा लिया। ऐसे लोगों को कतई बख्शूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी तो मौरावा ये सब जीत कर 2-3 महीने हम शांति बैठे थे कि हमका बहुत वो हो रहा है, और मुझे मरने का भय नहीं है। लोग कहते हैं अनिल सिंह को मरवा देंगे, अरे नाम अमर हो जाएगा मेरा, कि कम से कम 1 लाख आदमी रोएगा कि अरे विधायक बड़ा बढ़िया रहा, बेकार है, टपक गवा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आप सबको कि कतई बख्शे नहीं जाएंगे वो भूमाफिया, वो भ्रष्टाचारी, उनको जरूर इस तरीके का याद दिलाया जाएगा जैसे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में माफिया पैर रखने से डरता है, कांपता है, उसी तरीके से पूर्वा विधानसभा में या तो माफिया गिरी छोड़ देंगे या तो फिर पूर्वा छोड़ देंगे। ये मेरा बिल्कुल पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर है। आज ही मैंने इंस्पेक्टरों को बैठक ली और बताई है कि जो ये चोरी डकैती डाल रहे हैं ना, लोग चोरी कर रहे हैं यहाँ, हमें सुनाई पड़ा 2-3 चोरी इधर हो गई। हमने कहा इनकाउंटर कर दो, जब इनकाउंटर करोगे ना तब सही होगा मामला। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।